जय बाबा माता। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अक्टूबर का महीना है, बच्चों का छुट्टी है, तो इस बार हम एक एपिक लॉन्ग जर्नी करने वाले हैं, जो कि जाना आना 3,500 4,000 किलोमीटर का सफ़र होगा। ये जो ट्रिप है, ये हम 3 ज्योतिर्लिंग देखने के लिए ट्रिप करेंगे, तो काफ़ी लंबा जर्नी है। और इसमें हम 3 ज्योतिर्लिंग, जो कि जय महाकाल बाबा और ओमकारेश्वर और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे, जो 3 ज्योतिर्लिंग है। तो ये ट्रिप में हम एक्चुअली दिखाएंगे, बेंगलुरु से हम जाएंगे औरंगाबाद, जो कि छत्रपति संभाजी नगर बन गया है, तो वहाँ जाएंगे फर्स्ट डे छत्रपति संभाजी नगर, यहाँ से बेंगलुरु से अबाउट 1000 किलोमीटर से। फिर औरंगाबाद में एक नाइट स्टे करके हम अगले दिन सुबह निकल जाएंगे उज्जैन के लिए, जहाँ पे हम महाकालेश्वर का दर्शन करेंगे। वहाँ पे उज्जैन में हमारा 2 दिन का स्टे है। उज्जैन से हम जाएंगे ओमकारेश्वर, जो कि 140-150 किलोमीटर है उज्जैन से। वहाँ दर्शन करके फिर हम आएंगे इंदौर में हमारा 2 दिन रुकने का प्लान है। फिर इंदौर में थोड़ा सा फुट ट्रिप भी करेंगे आपके साथ। और फिर इंदौर से हम निकलेंगे छत्रपति संभाजी नगर के लिए औरंगाबाद, जो कि 500 किलोमीटर के आसपास है। तो वहाँ आके हम लोग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे और उसके बाद हम रिटर्न करेंगे बेंगलुरु। तो ये हमारा जो ट्रिप है, ये टोटल 6 नाइट 7 डेज़ का रहेगा। तो देखेंगे आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर थोड़ा सा कम ड्राइव करने का मन किया तो रुक जाएंगे कहीं पर और एक्स्ट्रा एक रात। तो प्लान लेकिन 6 नाइट्स 7 डेज़ का है, जो कि मैं सारे बुकिंग्स जो है गो आई बीबो मेक माई ट्रिप ये सब में से बुक कर लिया हूँ। होटल जो जैसे कि ड्राइव करके जा रहा हूँ तो 1500 किलोमीटर है, तो ब्रेक जर्नी करूँगा, एक दिन जाके औरंगाबाद में रुकूँगा, दूसरे दिन जाके मैं उज्जैन में रुकूँगा। तो ये सब प्लानिंग हो चुका है ऑलरेडी। तो आज जाके मैं क्या कर रहा हूँ, अभी गाड़ी का तेल भरवा लूँगा। नॉर्मली मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं वाटर बॉटल जो है ले लेता हूँ साथ में, जो बिस्लेरी का बॉटल होता है वो 2 क्रेट ले लेता हूँ, ताकि मेरे को रास्ते में स्पूरियस वाटर जो है वो सब अवॉइड करता हूँ मैं। और मेरा गाड़ी में जो बॉटल रहता है उसी में से पानी पीता हूँ। रात को ही सामान सब लेके आएंगे, बड़े बड़े लगेजेस जो है रख देंगे गाड़ी में, सुबह छोटा छोटा सामान लेके गाड़ी में लोड करके निकलेंगे। सामान पूरा रेडी हो गया, ओके, इधर पूरा सामान सब सेट हो गया है, पानी का बॉटल सब सेट, ठीक है। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं हम बाहर निकलते वक्त घर से। हे गुड मॉर्निंग गाइस, 4:35 हो गया, 4 का टारगेट था लेकिन 4:35 हो गया है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से घर से। का नज़ारा, बारिश हो रहा है हल्की हल्की बूंदाबांदी। टाइम 4:45 हो गया है अभी। चारों तरफ पूरा पानी ही पानी भर गया है एकदम, रोड का कंडीशन भी बहुत ही खराब है, ये ओसा रोड है। हम लोग अभी होसुर रोड पकड़ के फिर नाइस रोड पकड़ेंगे, नाइस रोड से
नीलमंगला से टुमकूर, टुमकूर से चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग से होसापेट, होसापेट से बीजापुर, बीजापुर सोलापुर, उसके बाद औरंगाबाद। टोटल डिस्टेंस जो है हमारा वो 975 किलोमीटर्स है आज, जो कि हमको लगेगा 16 आवर्स के आसपास, तो मतलब 8-9 बजे तक पहुंच जाएंगे औरंगाबाद, जो कि छत्रपति संभाजी नगर है। पानी देखो चारों तरफ जम गया है पूरा, देखो कितना पानी जमा हुआ है। हुसूर रोड और थोड़ी देर में नाइस रोड। हम लोग नाइस रोड पहुंच गए अभी 5:10। नाइस रोड एग्जिट कर गए हम लोग, अभी मुंबई वाला हाईवे पकड़ लिए, नीलमंगला पहुंच गए। ये वाला रोड जो है मैंगलोर चला जाता है। अगर आप हमारे मैंगलोर वाला सीरीज नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हैं। टाइम ऑलमोस्ट 6, आज बहुत ट्रैफिक है, पूजा का छुट्टी शुरू हो रहा है इसीलिए। टुमकूर पहुंच गए। ये ब्रिज जब तक नहीं बनेगा तब तक ऐसा ही रहेगा। ये शाम के टाइम में इतना जाम रहता है इधर, बहुत ही ज्यादा जाम रहता है ये। हाँ ये बहुत टाइम लग रहा है यार, इसको जल्दी जल्दी बनाना चाहिए। न तीन साल से तो हम ऐसे ही देख रहे हैं उसको, लेकिन थोड़ा बहुत जाम होता है। बीच बीच में ये सब डाइवर्शन है, रोड खराब भी है पूरा एकदम। ब्रेकफास्ट के लिए अभी कुछ रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है। टुमकूर क्रॉस कर गए हैं। हमारा जो श्री रत्नम था वो क्रॉस कर गए, पाकाशाला उधर भी खाते थे जब भी ट्रैवल करते थे, वो भी थोड़ा अर्ली हो गया। तो अभी सीरा में जाके A to B है, उधर जाके रुकेंगे और आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। अडियार आनंद भवन पहुंच गए A to B। काफी भीड़ है आज, देखते हैं कब सीट मिलता है। टाइम 7:30 हो गया है। ये सीरा जगह का नाम सीरा है, A to B। वॉशरूम बढ़िया क्लीन था, एकदम जबरदस्त क्लीन था। जगह की एकदम बहुत किल्लत है, तो रिक्वेस्ट करके मिल गया हमको जगह। ओके, अभी सीरा से हम लोग जाएंगे चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग से औरंगाबाद। आज Day 1 कंप्लीट होगा औरंगाबाद में। Day 2 हम लोग जाएंगे उज्जैन। कल 500 किलोमीटर, आज 1000 किलोमीटर, 975, कल 500। तो ये रूट, रोड कंडीशन और खाने के लिए कहाँ कहाँ सब बताएंगे आपको, क्योंकि मैं बहुत YouTube में सर्च किया, कुछ भी वीडियो अच्छा मिला नहीं, तो मैं इसीलिए खुद जा रहा हूँ और बताऊँगा सब लोगों को कि ज्योतिर्लिंग बेंगलोर से कैसे जा सकते हैं। कोई भी अच्छा वीडियो नहीं है। रोड कंडीशन कुछ इन्फॉर्मेशन, होटल कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम बताएंगे सब। मेरा आ गया मिनी टिफिन, एरिशा का पूरी, पापा का पूरी और एकांश का भी पूरी, रीना का मिनी टिफिन, हम दोनों का एक ही जैसा है चॉइस। तुम्हारा पूरी कैसा है? अच्छा है, सब बढ़िया है, मस्त एकदम। चटनी, चार तीन तरह का चटनी,
डोसा, इडली, वड़ा, पोंगल एंड केसरी भात और सीधा रायता पूरी के साथ मस्त खाना है। टी कॉफी आ गया और वो आदमी भी दो बार लेके आ गया। अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कॉफी है। मिनी टिफिन पूरी, ये खाना वाना हो गया हमारा। अभी बिल में गड़बड़ी था, दो चाय दो कॉफ़ी डाल दिए थे हम, जबकि हम एक चाय एक कॉफ़ी लिए थे, तो वो करेक्ट करके फिर दिए हम। खाना वाना हो गया, टाइम हो गया 8:15, यहाँ से 800 किलोमीटर है औरंगाबाद, तो 13 आवर्स दिखा रहा है। नेक्स्ट स्टॉप बीजापुर में हम लंच करेंगे, पर पूरा जाम हुआ है इसीलिए हमको इधर डाइवर्ट करवा दिए। एक्चुअली वो ऊपर वाला जो है वो लेट दिखा रहा था, ये साइड में सर्विस रोड में हमको जाने के लिए बोले, हम निकल रहे हैं वो सर्विस रोड, राइट साइड वाला सर्विस रोड पे जा रहे हैं, लेफ्ट वाला तो पूरा फुल जाम है। ये ऊपर देखो क्या जाम है। देख रहा एकांश खतरनाक वाला जाम क्लियर हो गया हमारा, उस साइड में पूरा क्लियर अभी, लेकिन पुलिस वाले हम लोगों को साइड साइड में बता दिए कि जाओ इस साइड में जाओ, इस साइड में जाओ, ऐसे ही जाओ, आगे जाओ, तो हम लोग पूरा निकल गए। पूरा 3-4 किलोमीटर का पूरा जो जाम है वो पूरा क्लियर करके आ गए हम लोग। चित्रदुर्ग हो गया, अभी लेफ्ट में चित्रदुर्ग चला जाएगा और 14-15 किलोमीटर्स के बाद हम लोग डाइवर्शन ले लेंगे NH50 टूअर्ड्स होसापेट, सोलापुर, औरंगाबाद। आज देखो पूरा मस्त वेदर है, एकदम बादल लगा हुआ है, ये देखो विंडमिल्स। चित्रदुर्ग जैसे ही आप पहुंच जाओगे पूरा चारों तरफ विंडमिल ही विंडमिल दिखेगा, और ये बारिश का सीजन अभी गया है तो चारों तरफ हरा भरा भी दिख रहा है, पहले थोड़ा बंजर जमीन जैसा दिखता था तो अभी थोड़ा हरा भरा है। सोच रहे थे ड्रोन निकाल के थोड़ा सा शॉट ले, लेकिन ड्रिजल कर रहा है तो इसीलिए छोड़ दिया अभी। चित्रदुर्ग क्रॉस कर गए तो ये एक ऑप्शन है आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए, लास्ट टाइम हम लोग इधर जब शिरडी जा रहे थे तो इधर ही खाए थे। आनंद विहार, होसापेट तुंगाभद्र रिवर आ रहा है, अभी होसापेट पहुंचने वाले हैं। ये तुंगाभद्र डैम के पीछे साइड में है, अगर आपको हम्पी आना है तो आपको यहाँ आना है होसापेट, होसापेट से हम्पी जाना है। पिछले व्लॉग में आप लोग देखे होंगे हमारा हम्पी वाला ट्रिप, अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन ऊपर आ रहा है, जाके देख लीजिए। ब्यूटीफुल एकदम, क्या सुंदर नज़ारा है, देख लो। काफ़ी देर से हम लोग फोटो वोटो खींच रहे थे इधर, जबरदस्त। ये रूट जो है काफ़ी अच्छा है, मैं ये रेगुलर लेता रहता हूँ, तो आप लोग तो ये देखे होंगे ये वाला रूट। रोड भी कंडीशन बहुत ही अच्छा है, जितना थोड़ा बहुत जो ये था पैचेस डाल दिए हैं। ये होसापेट हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं, आगे एक छोटा सा टनल आएगा। ये तुंगाभद्र रिवर का बैक साइड है, जो डैम है तुंगाभद्र डैम जो है अपना होसापेट में, उसका बैक साइड है ये। बहुत ही सीनिक ब्यूटीफुल जगह है, कभी भी आप आओ तो इधर थोड़ी देर रुक के जाना, और अगर हम्पी जाना हो तो होसापेट होके आप जा सकते हो, तो होसापेट और थोड़ी देर 5-7 किलोमीटर में होसापेट आ जाएगा, और छोटा सा एक टनल है आगे,
दिखा लेता हूँ। छोटा सा एक टनल है आगे, उसको भी हम क्रॉस करेंगे, फिर आगे सीधा चले जाएंगे हम सोलापुर और औरंगाबाद। ठीक है, चलिए। टाइम 10:45। इधर पीछे वाला रोड जो है वो होसापेट चला गया, हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं अभी बीजापुर सोलापुर रोड। और औरंगाबाद हमारे लिए अभी बचा हुआ है 618 और 10 घंटा दिखा रहा है ड्राइव करने के लिए। तो अभी टाइम 10:50। तो रोड देखिए कैसा है नज़ारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी अभी हम लोग गुआवा खा रहे हैं, यहाँ से हम लोग गुआवा खरीदे हैं। ये देखिए बोले ना ये देखो क्या है, बोलो क्या है। आम सोडा कौन कौन थे, ना इसको बोलते हैं आम पापड़ बोलते हैं ये, इनको देसी आम का पापड़ है। हाँ। और इसमें थोड़ा सा चिल्ली और ये सब डाला हुआ है, जीरा पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर चटपटा एकदम ये, और ये मीठा आम में बनाए। तो मेरा ये जो मैं खाता हूँ ना, इसको ऐसा हर ये करके खाना है, मतलब चॉकलेट जैसा खाना है। ले लिया अपना, मैं भी अपना ले लूँ। अच्छा, और एक चौड़ा चॉकलेट ले लूँ। जर्नी में खाना पीना होना चाहिए, कुछ ना कुछ खाना चाहिए। ये बाजू में देखो मेज, जैसे मेज कर रहे हैं, मेज सुखा रहे हैं कौन। आगे देखो XUV 700, XUV 500 और आगे स्कॉर्पियो N महिंद्रा, खाली महिंद्रा, तीनों लाइन से महिंद्रा। बाबू कल आया था तो मेरा फेवरेट स्वीट लेके आया है, छन्ना पोड़ो अलमाटी डैम। अगर आप लोग देख सकते हो तो ब्रिज के ऊपर से एक ट्रेन भी जा रहा है, और ये ट्रेन हाँ गुड्स ट्रेन लग रहा है, कंटेनर है। अच्छा, थोड़ा सा ड्रोन शॉट ले लिया अभी, यहाँ पे बढ़िया शॉट आया है, देख के बताइए कैसा लगा आप लोगों को। शॉट कैसा लगा कमेंट करके बताओ। टाइम 10:02 बजने के लिए
तो अभी लंच करेंगे, बीजापुर सिटी के अंदर ही घुसेंगे लंच करने के लिए। तो हमको दिखा रहा है और 15 मिनट लगेगा जहाँ पे सर्च किए हैं रेस्टोरेंट खाने के लिए। ये हाईवे पे रोड साइड पे कुछ भी नहीं मिलता है, सो प्लान करिए कि जो भी नियरेस्ट बड़ा सिटी है वहीं पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी करना है कर लीजिए। ब्रेकफास्ट तो कहीं भी मिल जाएगा, बट लंच डिनर अगर ठीक ठाक जगह पे करना है तो ये हाईवे पे सिटी देख लीजिए, होसापेट या बीजापुर या सोलापुर, ये रोड पे। इधर आगे एक मिल गया हम लोगों को, उडुपी श्री कृष्णा होटल। रोटी खाइब ना कौन ना थाली खाइब तीन टा करी दो गोटे के आ गया। पहले हमारा मसाला पापड़, मसाला पापड़, वाह क्या कर रहे हो, मसाला पापड़। गोभी मंचूरियन आ गया, पनीर टिक्का सिज़लर। कौन ला? कैसा है? बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। तुम खाए नहीं हो? अच्छा लग रहा है, अच्छा है, बढ़िया है, कैसा है? ऊपर से ऊपर। एरिशा कैसा लग रहा है? 100%। तुम्हारा हेयर कट कैसा है? अच्छा है। यू लाइक इट? ग्रीन चिली मंगा था, ये लोग फ्राई करके दिए हैं पूरा एकदम, सर्विस में 5 स्टार। ये मिक्स तवा और कुलचा, बटर कुलचा। मस्त एकदम, बहुत ही रीजनेबल रेट है, बहुत ही रीजनेबल है। श्री उडुपी कृष्णा, सोलापुर रोड, बीजापुर। दिस प्लेस इज बीजापुर, अंदर मेन हाईवे से जस्ट 2 किलोमीटर अंदर आएंगे तो ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा आपको मेन रोड के ऊपर। पार्किंग वार्किंग भी है। देखो मेनू बहुत ही शानदार खाना है, शानदार खाना है। यह नहीं चाहिए, वो अब एक यूज़ किया। मस्त है एकदम, बटर मिल्क बहुत ही बढ़िया है। एक अंश का जीरा बोला जी, कितना स्टार है? एक अंश खाना हो गया, अभी टाइम हो गया है 3:15। यहाँ से स्ट्रेट निकलते हैं औरंगाबाद के लिए। रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा था, 5 स्टार एकदम रेटिंग इसका। तो खाना अच्छा था, सब चीज़ अच्छा था, रेट भी अच्छा था, रीज़नेबल था, वॉशरूम भी था इधर, सो वी कुड यूज़ इट, सो ठीक है। बाकी ये लोकेलिटी भी अच्छा है। ओके खाना वाना हो गया, टाइम बजा है 3:22 और यहाँ से दिखा रहा है हमको 6 hours 45 minutes, 417 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं, 580 किलोमीटर्स, 0.8874। हाल अब कर देंगे, फिर जहाँ महाराष्ट्र में ज़रूरत होगा थोड़ा थोड़ा डालेंगे, फिर कर्नाटक में आएंगे तो फिर से टैंक फुल करेंगे।
हमेशा यही करता हूँ मैं, बॉर्डर पे पूरा टैंक फुल कर लो। महाराष्ट्र एंटर कर गए हम लोग चालकी के बाद, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स के बाद वेलकम टू महाराष्ट्र का पोर्ट आ गया, 60 किलोमीटर बीजापुर से। अभी एक महाराष्ट्र पुलिस का चेकिंग हो रहा था तो पेपर वेपर मांगे, तो बाकी चेक कर लिए, चेक करके फिर पोल्यूशन में दिखा दिया, फिर बोले कि जाओ। तो सोलापुर पहुंच गए हम लोग टाइम 4:45। अभी इधर से कहाँ जाना है देखना पड़ेगा, मैं एक यूट लेफ्ट टर्न लेना भूल गया सर्विस रोड, 2 किलोमीटर और आगे जाके यू टर्न मार के आना है। अभी NH-65 से फिर NH-52 हमको पकड़ना है, तो यहाँ पे यू टर्न आके लेंगे। ये भाई साहब भी शायद भूल गए, वो भी राइट टर्न मार के चल रहे हैं। अरे वाह, यहाँ पे यू टर्न लेंगे, सब यू टर्न ले रहे हैं, मेरे को लग रहा है यही एक ही यू टर्न था शायद। 308 किलोमीटर बचा हुआ है अभी 5 आवर्स। ये NH-52 है जो कि तुलजापुर बीड होके औरंगाबाद जाएगा, यहाँ से 306 किलोमीटर दिखा रहा है, 10 बजे पहुँचेंगे दिखा रहा है। तो ये कौन सा गाड़ी है बताओ सब लोग, पता नहीं है ये तो, मैं तो देखा नहीं था पहले कभी, प्रीमियर कुछ लिखा है, पता नहीं ये कौन सा टोल है, सोलापुर यदेसी टोलवे, 3 बार मेरे को घुमाया इधर उधर। टोल के बाद एक आरोग्य अमृतुल्य देखे, वहाँ पे चाय पियेंगे अभी। ये सोलापुर यदेसी टोलवे, पापा चाय ले लिए, कैसा है, अच्छा है, चलेगा, चाय पी लिए, अभी गाड़ी ग्लास क्लीन कर रहे हैं, धूल हो गए। हो गया ग्लास, ग्लास साफ हो गया, अभी 287 है, चलो यहाँ से चलते हैं। कुछ तो चल रहा है अभी, सनसेट देख लीजिए, टाइम 6:20 और बचा हुआ है हमारा डिस्टेंस 229 किलोमीटर्स। रोड काफ़ी अच्छा है, ये वाला सीनिक भी है, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा होना चालू हो गया है तो ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, बट काफ़ी सीनिक है और रोड काफ़ी अच्छा भी है, मतलब स्पीड 80, 90, 100 मेंटेन कर सकते हो। टोल एक आ गया, तेज बारिश शुरू हो गया एकदम रोड पे, एकदम अच्छी खासी बारिश हो रही है। रोड लेकिन अच्छा है तो ठीक है। संभाजीनगर स्ट्रेट 128 बीड 5 किलोमीटर लेफ्ट। बीड क्रॉस करते ही एक होटल मिला, तो वॉशरूम यूज करना था, होटल सनराइज करके अच्छा था, तो आके वॉशरूम यूज कर लिए। ये वाला होटल है सनराइज एग्जीक्यूटिव। टाइम 9:10 और हम लोग एंट्री कर गए औरंगाबाद सिटी, बाईपास से निकल के अंदर जा रहे हैं।
चेकिंग कर रहे हैं। टाइम कितना हुआ? 9:35। गूगल को बीट कर दिया। गूगल को बीट किया मैं, 10:10 दिखा रहा था। 30 मिनट्स। This is the room, small cozy room, small bed, and then the washroom. Showed us nahane ke liye and the toilet. Very good. It's good. Huh? पहुंच गए औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर पहुंच गए। टोटल किलोमीटर 975 और टाइम लगा हमको 16 एंड हाफ आवर्स। 9:30 को पहुंच गए इधर और होटल में चेक इन कर लिया। अभी खाना खाने जा रहे हैं। तो रोड बहुत ही अच्छा था। टोटल जो बेंगलुरु से लेकर चित्रदुर्ग के बीच में थोड़ा सा डाइवर्जन है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। चित्रदुर्ग के बाद से वो सोलापुर वाला हाईवे एकदम बहुत बढ़िया है। सोलापुर से फिर हम ये वाला NH 52 ले लेते हैं तो ये बीड होके आता है। सो ये द सी बीड औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर। तो बहुत ही बढ़िया रोड है। यू कैन ऑलवेज टेक दिस रोड। 975 किलोमीटर 16 एंड हाफ आवर्स लगा हमको। तो खाना था विद फ्राइज, वेजिटेबल फ्राई, फिर नान, कोफ्ता, दाल, जीरा राइस, सलाद, सूप। चलो गाइस, वीडियो को यही एंड करते हैं। सुबह से शाम हो गया, सुबह से रात हो गया। हम लोग पहुंच गए अभी छत्रपति संभाजी नगर। डिटेल में बता दिया हूँ, आप वीडियो देख लिए हैं। अभी जाते हैं, नहा धो के सोने चले जाते हैं। कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से उज्जैन, जो कि कम से कम 500 किलोमीटर का है। मैं डिटेल बताऊंगा कि रोड कैसा है, क्या है। तो जुड़े रहिए, ये पूरा सीरीज़ देखते रहिए। हम लोग 3 ज्योतिर्लिंग इसमें कवर करेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अगले कम द नेक्स्ट एपिसोड। स्टे ट्यून्ड।